हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप कंप्लीट एनर्जी के साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 को भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। जैसा कि क्लास 10 के कल स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं और आप सबके लिए एक अर्जेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा। एंड मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, आप फुल एनर्जी के साथ होंगे, एकदम से टेंशन फ्री होंगे। और अगर आप टेंशन ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आप टेंशन करेंगे तो शायद गलती आपकी होगी। एकदम कंप्लीट टेंशन फ्री हो जाइए, बहुत ही इजी एग्जाम होने वाला है, जबकि सीबीएसई ने ठीक वेबिनार में कहा है। और साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। जब क्लास 12 भी अपने एग्जाम देने जाएंगे, वो भी अपनी बातों का ख्याल रखेंगे, एग्जाम के बातों का। और ये वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कल की एग्जाम देने के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए, जहां पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों सीबीएसई की तरफ से एक लैंग्वेज है, मैं बता देता हूं, यू अटेम्प्ट यू गेट, यू अटेम्प्ट यू गेट। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आए या ना आए, आप अटेम्प्ट करें, आप मार्क्स ले जाएं, उससे रिलेटेड कुछ लिखें, आप मार्क्स ले जाएं। बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं बिफोर एग्जाम। आप लाइक करके रिस्पॉन्स करिए मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा एक सबसे बड़ा चीज है, और ऊपर वाले पे भरोसा। एकदम से रिलैक्स रहो, ये एक नॉर्मल सा एग्जाम है। जिंदगी में ना जाने आगे कितने बड़े बड़े आपको एग्जाम्स देने हैं। और ये जो बोर्ड एग्जाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यूजुअली कंप्लीटली स्ट्रेट क्वेश्चंस होता है, कोई मतलब एलो मेलो नहीं होता है, मतलब कि घुमाया फिराया कुछ नहीं होता है। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इजी होते हैं, और कहीं पर भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको गुमराह नहीं किया जाता है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट अवे आपको आंसर देना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्कूल लेवल के एग्जाम से लाख गुना ज्यादा ये एग्जाम इजी होता है। ऐसे में मैं आप लोगों को थोड़ा पैटर्न दिखा देता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो पैसेज आने वाला है कंप्लीटली इजी होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज दूंगा फ्रॉम सीबीएसई। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज मेरे प्यारे दोस्तों, कल एग्जाम का कोड है 184 टर्म टू एग्जामिनेशंस और टर्म टू एग्जामिनेशंस। एंड इसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, रीडिंग स्किल जो होगा, मतलब पैसेज 10 मार्क्स का होगा। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ना है, पैसेज में आंसर निकालना है, पैसेज में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ रहता है, बस आपको क्वेश्चन पेपर में छाप देना है। 10 मार्क्स कंफर्म है मेरे भाई बहनों के, जी हां, 10 मार्क्स कंफर्म है। अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों राइटिंग एंड ग्रामर की, तो ग्रामर में मान लो मेरे प्यारे दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे तो 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, 7 नंबर तो आराम से ला लोगे। लिटरेचर तो कहानी है, कहानी याद है, मतलब बना शना के भी लिख सकते हो एंड आपको मार्क्स मिल जाएगा। बाकी इंटरनल मार्क्स आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट वगैरह जो भी इंटरनल मार्क्स 10 मार्क्स का, तो 50 में से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 45 मेरे भाई बहनों का यूं थानोस की तरह चुट्टी बजाकर तो आनी ही चाहिए। चलिए हम बात करेंगे यू अटेम्प्ट यू गेट, अटेम्प्ट मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन के बाद। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है, अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड, तो हरी आप गेट बेनिफिट नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ चुकी है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर एक बार रिवीजन जरूर करके जाना। ये वीडियो में इन्वॉल्वमेंट क्लास 12 का भी लेना चाहूंगा, क्लास 10 एज वेल क्लास 10 तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि कल वो एग्जाम देने जा रहे हैं। बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अटेम्प्ट मार्क्स है क्या और ये एकदम फाइनलाइज है, फाइनल है। देख लीजिए, मैं आपको इजीली समझा दे रहा हूं, पहले भी समझाया हूं। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने आपको उसमें से कुछ नहीं आता, आपको जो आता है पहले लिख के भर देना, और जो नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों उसको क्या करना, पीछे लिखना लास्ट में। क्यों ऐसा बता रहा हूं आपको पता चल जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा भी कुछ मिलता जुलता रह गया, आपको 3 में से 1 मार्क्स मिलेगा ही 100%, साथ साथ हाफ मार्क्स भी मिल जाएगा, मतलब 3 में से 1.5 मार्क्स आप इजीली स्कोर करेंगे। आप कैसे करेंगे वो बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था, टीचर से आप बात कर सकते हैं, खुद के टीचर से, कॉपी चेकर्स इन विजिलेशंस अगर आपके आस पड़ोस में है तो एक बार बात करके देख लीजिएगा। पसीना देख रहे हो,
हो? बहुत गर्मी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप टीचर से कंसल्ट करिए या किसी से बात करिए, कॉमन आंसर आपको मिलेगा कि हर टीचर हर कॉपी चेकर खोजता है कि स्टूडेंट लास्ट में कुछ लिखा है क्या। अगर मान लो आपके 59% आ रहे हैं ओवरऑल, इंग्लिश में 59% आ रहे, तो टीचर आपका पूरा कॉपी वेरीफाई करता है शुरू से लेकर एंड तक कि बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट किया क्या, क्या बच्चे को कॉपी में हाफ मार्क्स दिया जा सकता है, कि बच्चे को वन मार्क्स दिया जा सकता है, कि बच्चे को वन एंड हाफ मार्क्स दिया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चा जो है कॉपी को, इस रिजल्ट को पूरे करियर में कैरी करेगा। तो बच्चे के अगर 59% आ रहे हैं तो एक मार्क्स और दे देता हूं कहीं कुछ लिख दिया है तो आपके मेरे प्यारे दोस्तों वही एक नंबर, वही कुछ परसेंटेज आपको बढ़ाकर 60% ले जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप 79 ला रहे हैं, 89 ला रहे हैं, तो 1% 2% बढ़ जाता है। अगर आप फेल हो रहे होते हैं तो भी टीचर जो है आपका कॉपी वेरिफिकेशन करता है, ढूंढता है कि क्या बच्चा कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है बच्चे ने, थोड़ा चेक कर लेता हूं, जान लेता हूं। जैसे ही टीचर देखता है कि बच्चे ने यहां पे कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत देखता है, मार्क्स देता है, तो आपको पास कराने की भी कोशिश करता है। ये टिप्स याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, पत्थर की लकीर लिख के ले लो। मिलते हैं अगली अपडेट में, एकदम लाइक करके रिस्पॉन्स करना कि भैया ने आग लगा दिया, शरीर में टेंशन फ्री हो गए, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।